चोरों ने बनाया महागठबंधन, साक्षी जी महाराज ने दिया बड़ा बयान। यूपी के फायर ब्रांड भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज ने देर शाम पोड़ैयाहाट प्रखंड के पंचमुखी बजरंगबली बंगाली चौक से रोड शो किया। संबोधन में कहा, 2014 में मोदी की आंधी और 2019 में सुनामी लहर, इस बार भाजपा के 400 के पार देश में सीट आने की बात कही। उन्होंने कहा कि चोरों ने एक महागठबंधन बनाया है और इस बार सबकी जमानत जब्त होने वाली है। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वह तो अपने ही पार्टी के महिला नेत्री से छेड़छाड़ के आरोपी हैं। जिसे जेल जाना चाहिए वह पार्लियामेंट जाने का सपना देख रहे हैं, ऐसे लोगों की जगह जेल में है न कि पार्लियामेंट में। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए कमल फूल पर वोट डालने की अपील की। मौके पर पूर्व विधायक प्रशांत मंडल, संतोष दुबे आदि मौजूद थे। होंडा लाया है इस लगन दूल्हा दुल्हन ऑफर। होंडा के प्रत्येक टू व्हीलर व्हीकल की खरीद पर एक हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। गाड़ी की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कूपन जिसमें आप 5,000 तक की छूट पा सकते हैं। तो देर किस बात की, इस लगन दूल्हा दुल्हन ऑफर को हाथ से जाने न दे। ऑफर का लाभ लेने के लिए होंडा के एकमात्र होंडा टू व्हीलर शोरूम वंस होंडा में पधारे। वंस होंडा नहर चौक गोड्डा। अरे वो अपना प्रचार गाड़ी तो प्रचार गाड़ी चले यूपी से शांति रहिए। जैसे यूपी मेरा घर है वैसे ही झारखंड भी मेरा घर है। 2014 में मोदी के नाम की लहर थी, 2019 में मोदी के नाम की सुनामी है और मुझे लगता है 2019 में अब की बार 400 पार। ये स्थिति सारे देश में है और ये तो उसी दिन स्पष्ट हो गया जब हिंदुस्तान का सारा विपक्ष कोई एक मिलकर के मोदी से लड़ने में सक्षम नहीं था, तो सारे चोरों ने मिलकर के एक महागठबंधन बना लिया जिसे जनता ने ठगबंधन का नाम दिया। तो ठगबंधन सामने है और उस ठगबंधन के सामने मोदी जी हैं। नेताओं ने आपस में महाठगबंधन बनाया है, जनता ने मोदी के साथ गठबंधन कर लिया है। विरोधी मोदी को हटाना चाहते हैं और जनता किसी भी कीमत पर मोदी को हटने नहीं देना चाहती। तो मुझे लगता यह है कि पूरी ताकत से मोदी जी इस देश में पुनः सरकार बनाएंगे और इस बार कम से कम 400 सीटें आएंगी।